कुछ भी नहीं करना जी, सिर्फ सिर्फ इधर आना है, इधर आना है, यहाँ पर अपना नाम लिखवाना और सुविधा का लाभ उठाना है, कुछ भी नहीं। अगर आप पूछे कि एलिजिबल कौन है, तो एवरी वन इज एलिजिबल। यहाँ पर इस जगह पर आ जाए, कल हमारा कैंप जो है अखनूर में होगा। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। देश में हर साल लाखों लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। इस बीमारी से मौत का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। शरीर में लक्षण दिखने पर भी मरीजों को इस बात का पता नहीं चलता कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। इस वजह से कैंसर से अधिकतर मामले एडवांस स्टेज पर पता चलते हैं। इसमें बड़े हों या छोटे, कई लोग इससे पीड़ित रहते हैं और इसको लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। नमस्कार, मैं आदित्य सबरवाल, डीजीएम, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस कैंप के बारे में। ये कैंप जो हमने लगाया, हम ये रेगुलर इंटरवल्स पे कैंप लगाते रहते हैं। हम हर महीने में तकरीबन 4 कैंप्स लगाते हैं, जिसमें से कि लगभग 3 महीने में 4 कैंप जम्मू के अंदर होते हैं, हर तीसरे महीने में। इसमें देखिए, हमारा सबसे पहला मकसद ये होता है कि कैंसर की बीमारी अगर जब बढ़ जाती है तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका इलाज। तो हमारा मकसद ये होता है कि इसको शुरुआत में पकड़ लिया जाए, छोटे मोटे लक्षण जो इसके आते हैं उन्हीं से इसका पता लगा लिया जाए, ताकि इसका इलाज आसानी से हो सके। इसके लिए हम जो यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो होता है रूटीन चेकअप से लेकर के कैंसर के स्पेशलिस्ट का ओपिनियन, इसके अलावा मेमोग्राफी, पेप्समीयर, PSA, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, बोन डेंसिटोमेट्री, इसके अलावा और सभी तरह के कैंसर मार्कर और रूटीन लैब टेस्ट। इसके साथ साथ हम रूटीन मेडिसिन भी यहाँ पर देते हैं। हमारा मकसद है जनता के अंदर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोग जितना हो सके कैंसर से बच सकें। हम अवेयरनेस के लिए भी इधर सेशन भी चलाते हैं। तो हमारा यही मानना है कि लोग आए आपके माध्यम से, हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी जम्मू के अंदर देती है, जिसके ना होते हुए लोग पहले दिल्ली, मुंबई, पंजाब भागते थे, अब जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। तो आप आए इधर, जो है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इस पर पैसा नहीं देना होता है। चेकअप करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और उसके बाद अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट भी होता है तो अगेन हमारा जो AOI का, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट का हॉस्पिटल जो कि एस्कॉम्स पत्रा के अंदर लोकेटेड है, वहां पर आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना जी, सिर्फ इधर आना है, इधर आना है, यहाँ पर अपना नाम लिखवाना और सुविधा का लाभ उठाना है, कुछ भी नहीं। अगर आप पूछे कि एलिजिबल कौन है, तो एवरी वन इज एलिजिबल। कितने दिन तक ये चलता रहेगा? यहाँ पर इस जगह पर आ जाए, कल हमारा कैंप जो है अखनूर में होगा। कल हमने लगाया था RSपुरा में, परसों हमारा हीरानगर में। हाँ जी, हाँ जी, ये चार दिन का है सेशन, जम्मू और जम्मू के आसपास का। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लो, मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड कैंसर केयर। आज अमेरिकन ऑन्कोलॉजी एस्कॉम हॉस्पिटल की ओर से और वर्ल्ड कैंसर के साथ कलेबरेट होके एक बहुत बड़ा मिशन जो है जम्मू में लॉन्च किया गया है, कैंसर अवेयरनेस और कैंसर अर्ली डिटेक्शन को लेके। और इसमें मोबाइल बसें हमारी पहुंचती है जगह जगह में, रूरल एरिया में पहुंचती है। कल भी RSपुरा में थे हम लोग, आज ये सिविल हॉस्पिटल जम्मू में पहुंचे। और हमारा जो मकसद होगा कि हेल्थी लोगों को चेकअप करना है, उनमें से कैंसर के सिम्टम के अकॉर्डिंग जो है हमने कैंसर को ढूंढना होता है, क्योंकि कैंसर अगर बन जाता है तो फिर तो टफ हो जाता है उसको ट्रीट करना। लेकिन अगर प्री कैंसरस है, जो टाइम है जिस पे कैंसर अभी बना नहीं है, सिम्टम बना है, उस टाइम में हम कैंसर को बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं। और इसी इनिशिएटिव के साथ जो है अमेरिकन ऑन्कोलॉजी एंड वर्ल्ड कैंसर केयर ज्वाइंटली जो एफर्ट कर रही है, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग ये कैंपेन रन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 6-7-8 कैंप लगा चुके हैं ऑलरेडी, जो
उधमपुर से होते हुए आगे टीम जो गई थी और आज इस लड़ी के तहत अभी यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। हमारा जो मकसद है कि मैक्सिमम लोगों की जो स्क्रीनिंग की जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए ताकि कैंसर को पहली स्टेज पे पकड़ा जा सके। चार गाड़ियाँ हमारे काफिले के साथ चलती हैं, इसमें से पहली जो बस है ये अब इसमें जो बैठे हुए हैं हम लोग, ये मैमोग्राफी यूनिट है। मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने का एक बहुत ही बढ़िया टूल है और हर लेडीज़ को आफ्टर 40 ये करवाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी गाड़ी है उसके अंदर सर्विस कैंसर की फैसिलिटी है, पैप्समियर टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद उसमें प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA टेस्टिंग कर रहे हैं, ब्लड कैंसर की जाँच की जा रही है। उसी वैन के अंदर एक वीडियो थिएटर बना हुआ है जिसमें कैंसर को जानने के लिए वीडियो दिखाई जाती है लोगों को। और थर्ड वैन की बात करूँ तो उसमें मुंह और गले की स्क्रीनिंग के लिए इंट्राओरल कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ पे डॉक्टर जो है जांच कर रहे हैं। चौथी बस के अंदर बोन डेंसिटी टेस्ट है, बहुत ही जरूरी है, हर एक जो मेल फीमेल को करवाना चाहिए। जो ये सारा काफिला जो है गाड़ियों का अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास डॉक्टरों की टीम इनके साथ चलती है और पूरी ये फैसिलिटी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री देती है।